हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सब? तो दोस्तों, हम लोगों ने रीट का ये स्पेशल सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये क्लास आने वाले दिनों में आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जैसे कि आपको पता है कि नई घोषणा में 62,000 पद हैं, जिसका एग्जाम आप सबको पता है कि जुलाई के आसपास होगा। तो हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे क्लासेस अपलोड करेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि जो रीट फर्स्ट लेवल के बच्चे हैं या सेकेंड लेवल के बच्चे हैं, तो उनको मैथ में बड़ी दिक्कत आ रही थी। कोई कहीं से कोचिंग कर रहा था, कोई ऑनलाइन क्लासेस खरीद रहा था। तो इस बार हमने सोचा कि सिर्फ रीट को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल सीरीज शुरू की जाए, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाएं। तो फिर से मैं बता देता हूं कि ये रीट फर्स्ट लेवल वालों बच्चों का सारा सिलेबस यहाँ पे पूरा करवाया जाएगा, और रीट सेकेंड लेवल वालों का भी, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। तो जो रीट फर्स्ट लेवल है और सेकंड लेवल है, इन दोनों में ही आपको पता है साधारण ब्याज टॉपिक है। तो आज मैं पहली क्लास साधारण ब्याज के बारे में ही आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। दोस्तों देखो, जैसे मान लो आपने किसी अपने जानकार को या भाई को या दोस्त को कुछ पैसे दिए, ठीक है। मान लो उसको आपने 10,000 रुपए दिए और उससे आपने कमिटमेंट कर दिया कि भाई मैं आपसे 1 महीने के बाद इस 10,000 के बदले 700 रुपये लूंगा। जैसे महीना पूरा होगा वो आपको 700 रुपये दे देगा। फिर 1 महीना आएगा, फिर आप उससे 700 रुपये लोगे। फिर 1 महीना आएगा, फिर आप उससे 700 रुपये लोगे। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इसी 10,000 का ही 700 रुपये ब्याज लोगे, ब्याज का कोई भी ब्याज आप नहीं लोगे। तो इस तरीके की जो टर्म्स और कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। यानी मूलधन पे एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि हर महीने बाद या साल बाद या 6 महीने बाद, ये आपकी कंडीशंस होती हैं। आप चाहें तो 1 महीने के आधार पर फिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो 6 महीने के आधार पर फिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो साल के आधार पर फिक्स कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जो कंपिटिशन के सवाल होते हैं, जो हमारे सिलेबस में साधारण ब्याज होता है, वो ज्यादातर क्या होता है, साल के बेस पे ही होता है। भी 1 साल की टर्म्स उसमें फिक्स होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज की डेफिनेशन क्या है। जब सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज की गणना हो, ब्याज पर ब्याज ना लिया जाए, तो इसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, सब बच्चों को ये लगता है कि ब्याज जो होता है वो प्रतिशत के रूप में ही होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जब आप उससे राशि तय करते हैं, उस टाइम आप कुछ भी कंडीशन लिख सकते हैं। चाहे तो आप प्रतिशत के रूप में तय कर सकते हैं और चाहे तो आप कोई और दूसरी अमाउंट भी फिक्स कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज किसी भी रूप में लिया जा सकता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इतनी बात बोल देने मात्र से, परिभाषा से, तो ये ब्याज आपको समझ आने वाला है नहीं। तो हम ये समझेंगे कि साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। तो दोस्तों आपको पता है, जो हमने सीखा है, दो तरीके होते हैं। एक तो आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, एक जो मार्केट में चलता है, हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे हैं, ये भी तरीका होता है। एक आप कॉन्सेप्ट समझ के। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सवाल की भाषा होगी उसको उसी अनुरूप तोड़ के सारे सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें ना तो हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी याद रखने की, और ना ही किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसा सवाल होगा वैसा ही हम लोग काम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको समझते हैं। मान इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो शब्द है दर। ये परिभाषा आप जरूर लिख लेना अपने पास। दर का मतलब होता है 100 रुपये का एक वर्ष का
धारण ब्याज। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसी बात से ही हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। दर का मतलब होता है 100 रुपए का एक वर्ष का साधारण ब्याज। अगर ये बात आप लोगों ने लिख ली है तो आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, दर का मतलब होता है एक वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने मान लीजिए कोई भी एक दर ले ली मैंने 10%, ठीक। अब इस 10% से हम लोग सब कुछ बना लेंगे। 10% को अगर हम तोड़े तो आएगा 10/100। अगर परसेंटेज किसी को नहीं तोड़ना आता है तो आप सीधा ये ध्यान रखें, इस परसेंट को हटा के बटा में सिर्फ 100 लगा देना है, बस प्रतिशत हट जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, क्या आ गया 1/10। हर क्वेश्चन में आपको ये काम करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जो बटा वाली संख्या होती है ये मूलधन होता है, और ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये एक साल का साधारण ब्याज होती है। एक साल का साधारण ब्याज, ये मैं फिर से बात नोट कर रहा हूं, ये 2 साल की नहीं है, 1 साल का साधारण ब्याज है दोस्तों। इस भिन्न को प्रयोग करके हम सारे के सारे सवालों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जो कि आप लोग अगले क्वेश्चन में देखोगे। देखिए, मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा फंडा होता है, मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल हो उसको आप बड़े आसान तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैथ के हर सवाल में आपको यह ध्यान रखनी है कि वहां पर 2 बातें होती हैं। एक मान तो सवाल के अंदर दिया होता है और एक मान आप लोगों को बनाना होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है, जैसे मान लो अगर आपको मूलधन देता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, मान लीजिए अगले ने आपको मूलधन दिया 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए उसने मूलधन दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भिन्न हम लोगों ने बनाई थी उस भिन्न से जो भी मूलधन है वो इसके सामने ले आना आपको, और यहां पे लिख देना है जितना भी बने उस मूलधन को आप यहां पे लिखेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने भिन्न में देखा था 10 रुपए मूलधन बना था, और आगे वाले सवालों में भी करते जाएंगे। तो अब आपको यह समझना है कि मूलधन लेता है तो सामने मूलधन लाना और बराबर कर देना है, और हमेशा एक का मान निकाल लेना है। जैसे हमने उसमें मूलधन बनाया था 10 रुपए, तो 10 बराबर आप 5,000 कर दीजिए, और यहां से एक का मान निकाल लीजिए, 1 बराबर आएगा 5,000/10, ठीक है। और इस 0 से 0 काट दीजिए, 1 का मान कितना आ गया 500। दोस्तों ये तरीका इतना परफेक्ट है कि आप किसी भी सवाल पे अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, जो 1 का मान निकालना सीख गया ही इज द किंग ऑफ मैथमेटिक्स, वो कोई भी मैथ का सवाल बहुत ही आसान तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा देना है, अगर वो मिश्रधन देता है तो आपको सामने मिश्रधन रखना है, मिश्रधन कैसे बनेगा वो अभी हम लोग देख लेंगे। और अगर वो साधारण ब्याज देता है तो आपको यहाँ पर साधारण ब्याज रखना है और सामने भी साधारण ब्याज लेके आना है। अगर वो साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दे देता है तो हमें यहाँ पे अंतर रखना है और सामने भी अंतर ले आना है। अगर वो सवाल में जोड़ दे देता है तो हमें भी यहाँ पे जोड़ रखना है और सामने भी जोड़ दे आना है। मतलब सवाल की जैसी भाषा है वो ही काम हमें करना है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब मैं एक पूरा सवाल लेता हूं जो आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाने में मदद करेगा, और अगर आप क्लासें कंटिन्यू मेरी देखते रहेंगे तो 2-3 क्लास में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना सीख जाएंगे, और फिर गणित में आपको ज्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी। बिना ट्रिक बिना सूत्र आप सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक आदमी या ऐसे लिख लेते हैं, एक राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए
उधार दी गई। तो 1200 रुपए साधारण ब्याज मिला, मूलधन ज्ञात करो। ये सारे बच्चे सवाल लिखेंगे। मैं यहां पे जैसे आपकी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों वैसे पढ़ाऊंगा, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिखे जाएंगे, साथ का साथ आप लिख सकते हैं, पूरा क्लास को अच्छे से एंजॉय करें। तो यहां पे मैंने लिखा साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपए और मूलधन आपको बताना है। मैं इस देखिए साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपए और मूलधन आपको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों इस 15% को आप सबसे पहले तोड़ दीजिए, 15/100 टूट गया, 15 को तोड़ा 15/100। अब ध्यान रखना यहां पे जो मैथमेटिक्स के बच्चे नहीं होते उन्हें काटने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप क्या कीजिए जो पढ़ा पहले पढ़ रहे हैं वही बाद में पढ़ना है। 5 × 3 = 15, 5 का पहाड़ा हमने 3 तक पढ़ा, तो अब यहां पे अगर हमने पहाड़े को 5 से शुरू किया ना, तो बच्चों यहां पे भी 5 से ही शुरू करना है, 5 से पहाड़ा शुरू करना है और 100 में उसका भाग देना है। सीधी सी बात यह है, तो कितने पे जाएगा 20 पे, तो आ गया हमारे पास 3/20। हमने ये बात सीखी थी कि ये 20 मूलधन होता है और जो 3 है वो 1 साल का साधारण ब्याज है। प्यारे बच्चों इसमें टाइम दिया हुआ है 2 साल, अगर 1 साल का ब्याज 3 रुपए है तो 2 साल का आप बता दो कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। बस ये बात हमें यहां से समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, उसने साधारण ब्याज कितने रुपए दिया, साधारण ब्याज दिया 1200। आप भी क्या कीजिए सामने साधारण ब्याज ले आइए, आपका साधारण ब्याज कितना है 6, उसने दिया 1200, आपका साधारण ब्याज 6 है। तो प्यारे बच्चों 6 और 1200 आप क्या करेंगे, दोनों बराबर रख देंगे। यानी मैंने कहा है कि सवाल में जो चीज दी जाए वो आपको यहां पे रखनी है, जैसे साधारण ब्याज दिया जाए तो यहां पे साधारण ब्याज रखना है और सामने भी आपको ब्याज लेके आना है। वो मिलेगा कहां से, वो इस भिन्न से मिलेगा, मूलधन भी यहीं से मिल जाएगा, ब्याज भी यहीं से मिल जाएगा, मिश्र धन भी यहीं से मिल जाएगा, अंतर भी यहीं से मिल जाएगा, सारा कुछ इसी के अंदर है, बस आपको इसको देखना आना चाहिए। यहां से बच्चों एक का मान निकाल लेना है, 1200 में अगर 6 का भाग देंगे तो 1 का मान आएगा 6 × 12 = 200, ठीक है। और मूलधन हमारे पास यहां पे कितना बना हुआ है 20, तो 20 × 200 कितना हो जाएगा बच्चों 4000 रुपए। तो ये 4000 रुपए देखो हमने बड़ी आसानी से क्या निकाल दिया है, मूलधन निकाल लिया, कुछ भी नहीं किया। इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि हमें किसी भी ट्रिक को फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं थी, हमने सीधा क्या किया यहां से साधारण ब्याज के बराबर साधारण ब्याज रखा, 1 का मान निकाला और मूलधन ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जो भी मैं बोलता रहूंगा आप साथ के साथ लिखते रहना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यह है, 8000 रुपए की राशि, 8000 रुपए की राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि सॉरी 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, यदि दर 12.5% हो। बड़ा ही अच्छा सवाल है और बड़ा ही आसान सा है। तो जो देखो बच्चों मैंने आपको अच्छे से समझा दी ये बात कि जो सवाल में दिया जाए सबसे पहले उसे देखना है। अब दिया हुआ तो 3 बात है, मूलधन भी है, समय भी है, दर भी है, हम किसको पकड़े। तो लाडले बच्चों ये बात ध्यान रख लो कि अगर मूलधन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले मूलधन को टारगेट करोगे, मिश्र धन दिया हुआ है तो मिश्र धन को टारगेट करना है,
साधारण ब्याज दिया जाए तो साधारण ब्याज को ही टारगेट करना है। ये तीन शब्द आपको ज्यादा टारगेट करने हैं। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है हमें 8,000 रुपए, तो हम सबसे पहले हमारा मूल कर्तव्य है कि हम मूलधन बनाएं। कहां से बनेगा मूलधन? मूलधन बनेगा इस दर से। कितनी है दर? 12.5%। देखो बच्चों, 12×2=24 और 1 25 बटा में 2 का क्या जाएगा? 200। तो 25×1=25 और 25×8=200। कितना आ गया बच्चों? 1/8। अब मैंने अभी आपको समझाई थी बात, ये 8 क्या है? ये मूलधन है। ये 1 क्या है? साधारण ब्याज। 1 साल का ब्याज 1 रुपया है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएगा। ये ऊपर वाली जो संख्या होती है ये हमेशा 1 साल का साधारण ब्याज होती है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए, मूलधन हमने यहां पे 8,000 रुपये लिया है, या मूलधन 8,000 है तो सामने भी मूलधन आएगा। मूलधन सामने, हमारा मूलधन कितना बन रहा है भिन्न से? 8 रुपये। 8 और 8,000 दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यहां से आप एक का मान निकाल लीजिए, 8,000/8 कितना आया काट के? 8×8=1,000। पूछा गया इसने साधारण ब्याज, कितना साधारण ब्याज? 3 रुपये, 3 से गुणा मार दीजिए, 3,000। यानी कहानी आपको समझ में आई होगी, जो दिया जाए वो बराबर आएगा, एक का मान निकालना है और जो पूछा जाए उसका गुणा करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो दिया जाए वो बराबर आएगा। 8×8,000, 1 का मान आ गया 8 का भाग दिया तो 1,000, पूछा क्या था? साधारण ब्याज, 3 से गुणा कर दिया, 3,000। जो दिया जाए वो बराबर, जो पूछा जाए उसका गुणा।